आज मैं आपको बता रही हूँ लॉन के जो प्रिंटेड सूट होते हैं इनको हम मज़ीद और खूबसूरत किस तरह बना सकते हैं। तो इसके अंदर मैं पिंटेक्स डालूँगी और लेस भी लगाऊँगी साथ में। तो ये देखें, अब ये इसका फ्रंट और बैक जॉइंट हुआ हुआ है और ये आस्तीन भी इसके अंदर ही जॉइन हुई है। तो मैं इसका सबसे पहले फ्रंट पार्ट को अलग करूँगी कट करके। अब देखिए, मुझे यहाँ पे सेंटर लेस लगानी है, इसके लिए मैं यहाँ से इसको कट करूँगी और फिर ये लेस लगाएंगे। ये सिलाई का मार्जिन छोड़ के इसको यहाँ से कटिंग करेंगे। अब ये वाला पार्ट जो है इसके अंदर देखिए मैं यहाँ पे बेल लगाऊंगी, ये बारीक वाली लेस लगानी है मुझे, बारीक वाली लेस लगानी है। यहाँ मुझे तीन पिंटेक्स डालनी होंगी दोनों साइड पे। तो अभी हमें इसको इस तरह करना है और दोनों पे निशान लगाने हैं। बिल्कुल सेंटर करके निशान लगा लें। जी, शर्ट की लंबाई रखनी है अपनी 37। तो इस तरह मैं बेल को यहाँ पे इस तरह रखते हुए इसको नापूंगी 37। ये मैं ब्लू वाली पट्टी निकाल दूँगी यहाँ से लूँगी मैं। ये मेरी अभी ज़्यादा आ रही है तो मुझे यहाँ से इसको 37 करना है। तो मैं किस तरह करूँगी, यहाँ से इस चीज़ को कम करना है मुझे, यहाँ से इतना कम कर देना है मुझे काट के, मेरा 37 बन जाए। अब ये हमारा 38 यहाँ से हम रखेंगे और ये सिलने के बाद हमारा 37 तैयार आ जाएगा। तो यहाँ से मैं इतना कपड़ा ये निकाल दूँगी, तकरीबन ये मेरा 2 इंच का आ रहा है, यहाँ से निकालने का जो आ रहा है 2 इंच का आ रहा है। ये 2 इंच में यहाँ से निकाल दूँगी तो लंबाई हमारी बिल्कुल सही आ जाएगी। देखिए बिल्कुल सीधा आ गया है। देखिए, पहले ये एक लेस मैं यहाँ पे लगाऊंगी इस तरह से, पूरी नीचे तक लगानी है मुझे ये। चलिए पहले लेस लगा लेते हैं। दोनों साइड पर बेल लगा दी हमने, अब हम यहाँ पे इसमें पिंटेक्स डालेंगे एक, और ये थोड़ा थोड़ा फासला देके हमें पिंटेक्स डालनी है। 3 प्लेटें डालूंगी मैं बारीक बारीक दोनों साइड पे। तो चलिए पिंटेक्स डालते हैं हम। अभी देखें, इतना ही फासला रखते हुए हम इस तरह इसको रखेंगे दूसरे साइड वाले को, तो हमारा उतना ही बराबर आएगा फासला। तो अब ये हम दूसरे साइड की प्लेट डालेंगे। अब देखें, एक उंगली का जितना फासला देते हुए एक और प्लेट डालूंगी मैं। अब देखिए, ये दूसरा साइड वाला है, इसको नापने का सही तरीका मेरे पास यही है कि मैं इसको इस तरह रखूँगी और इसको इस तरह पकड़ूँगी तो ये खुद ही नाप आ जाएगा हमारे पास। अभी देखिए, दोनों साइड पे पिंटेक्स डाल लिए हमने। अब यहाँ पे हम एक और बेल लगाएंगे इस तरह, यहाँ पे रखते हुए एक लाइन और लगाएंगी बेल की में। चले तो बेल लगाते हैं, फिर हम दोनों साइड पर लगानी है हमें। दोनों साइड पे मैंने पिंटेक्स भी डाल दिया और लेस भी लगा दी है। अब हम नीचे लगाएंगे, नीचे इस तरह रखते हुए हम लेस लगाएंगे। पहले हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे, फिर इस पर दूसरी पट्टी रख के सियेंगे बॉर्डर की।
अब ये देखें, हमने इसके शर्ट के साथ इसको ज्वाइन किया, अब ये बॉर्डर है। अब ये बॉर्डर के साथ भी इसको हमें ज्वाइन करना है, तो हम यहाँ पे इसको सिलाई लगा देंगे और सिलाई का हमें रखना होगा इतना, जो ये हमारा बॉर्डर आया तो ही हमें लग के खूबसूरत लगेगा ये। देखिए मैंने सिलाई लगा के इस बेल को भी इसमें ज्वाइन कर लिया है। अब इस सिलाई को हम इस तरह खोल देंगे और यहाँ पे एक इसमें और एक इसमें, दोनों में एक एक खड़ी सिलाई लगा लेंगे बिल्कुल यहाँ किनार पे, जिससे और ज़्यादा इसमें फिनिशिंग आ जाएगी। अब देखिए मैंने ये लेस के साथ और पिनटेक्स के साथ इसमें डिज़ाइनिंग कर ली है और ये देखिए नीचे बॉर्डर में भी डिज़ाइनिंग देखें इसके। अब मैं इसको सिंपल शर्ट की तरह तैयार करूँगी। तो देखिए ये मेरी शर्ट तैयार है पिनटेक्स और लेस के साथ। तो देखिए ये प्रिंटेड जो शर्टें होती हैं हमारी, उसके अंदर हमने हल्का सा डिज़ाइन दे दी तो और इसको मज़ीद खूबसूरत बन सकती हैं, बना लेते हैं हम।